दोस्तों, तो मेरे पास आज ये कटवर की मशीन है, कटवर कुंडी पिको की मशीन है। आज ये देख रहे हैं आप, डबल नीडल लगी हुई इसको। आज तक मैंने जितने भी डिज़ाइन बनाए हैं इस मशीन पे बनाए हैं, ये डबल नीडल, ये कटवर कुंडी, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन इस पे बनते हैं। आज मैं आपको इसके ये बड़े लोपर और ये छोटा लोपर है, ये डबल नीडल है, इसकी सेटिंग बताऊँगा। आप देख रहे हैं ये चाइना वालों की मशीन है, जॉय जॉय कंपनी की मशीन है। कंपनी का कुछ नहीं होता, कोई भी कंपनी चलेगी, मशीन सभी की सेम एक जैसी होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कटवर की सेटिंग कैसे करते हैं। बाद मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि इसकी कटवर की सेटिंग कैसे होती है, तो आज मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल सेटिंग बताने की कोशिश करूँगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। जी दोस्तों, तो ये इस मशीन की निडल है, ये आप देख रहे हैं। इसकी बैक साइड पे ये कट होता है, आपको वाजह तौर पर नज़र आ रहा होगा। ये फ्रंट साइड होती है नीडल की और ये बैक साइड होती है, ये ऐसे लगती है। ये फ्रंट पे आएगा, ये बैक पे आएगा, ठीक है। आपको एक कट नज़र आ रहा है, मैं आपको करीब ले जाकर दिखा देता हूँ। जी आप देख रहे हैं ये दोनों नीडल कैसे लगी हुई है, ये कट इसकी बैक साइड पे है और फ्रंट वाली जो साइड है वो प्लेन होती है। जी दोस्तों, तो इसमें आपने करना क्या है, करना आपने कुछ भी नहीं है, बस आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आपने ये जो बड़े लुपर का ये जो नोकदार हिस्सा है ना, आपने ये जो पहले वाली नीडल है ना, इसके कट के बिल्कुल दरमियान में रखना है। बस यही करना है आपने, ये नोक वाला सिरा इसके कट के बिल्कुल दरमियान में रखना है। और ये इस तरह आपने रखना है, कि ना तो ये इसको छुए और ना इससे ज़्यादा दूर हो, बस इसके साथ से हवा पर होकर गुजर जाए। तो अगर ये वाला ठीक है और दूसरे वाले निडल टकरा रही, तो आपने इसको इधर से खोल के इसकी सेटिंग कर लेनी है। ये दोनों निडल बिल्कुल सेम बराबर होनी चाहिए, कोई आगे पीछे ना हो, ये ना हो कि ये इधर हो और वो इधर हो, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ठीक हो गया दोस्तों, तो किसी भी निडल के साथ इसका ये जो नोकदार हिस्सा है वो नहीं टकराना चाहिए, ना इस निडल के साथ और ना ही इस निडल के साथ। बस दोस्तों, यही इसकी सेटिंग है। अगर आपने मेरी चाइना पिको वाली सेटिंग जो मैंने बताई है, पिछले दिनों मैंने वीडियो अपलोड की थी, अगर आपने वो देखी हुई तो आपको यकीनन बहुत ही आसानी हो जाएगी इस चीज़ को समझने में। अगर आपने नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाकर वो देख सकते हैं। और दूसरा, मैं इस वीडियो के एंड पर उस वीडियो को टाइटल दे दूंगा, आप वहाँ पर उसको प्रेस करके भी उसकी मुकम्मल सेटिंग आप देख सकते हैं कि ये मैंने कैसे की हुई। तो ये भी सेम उसी तरह ही है, कोई मुश्किल नहीं है। वो बस होता है ये कि उसकी वो एक निडल की सेटिंग है, ये दो निडल की सेटिंग है, बस यही है। आपने ये नोकदार हिस्सा है फ्रंट वाली निडल के कट के बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए, बस यही चीज़ है। आपने इसकी इधर से सेटिंग कर लेनी है। अगर कोई थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो आप इसको खोल कर आगे या पीछे हल्का सा कर लें, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। दोस्तों अब आते हैं छोटे लूपर की तरफ। तो ये इसका छोटा लूपर है, ये भी आपने ऐसे ही करना है कि ये उसी तरह जैसे ये बड़ा लूपर इस निडल के साथ रखते हैं, उसी तरह ये भी करना है कि ये भी इसके साथ टकराना नहीं चाहिए, बस हवा पर इसके साथ से होकर गुजर जाए। बस इसमें डिफरेंट थोड़ा सा ये होता है चाइना पिको और इसमें, कि चाइना पिको में ये थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है ताकि उधर, क्योंकि मोती वगैरह लगाने होते हैं, तो वो उसके साथ मोती के साथ टकरा कर ये टूट जाता है। तो इसमें ये होता है, इसमें इस तरह का कोई मसला नहीं होता, आप इसको थोड़ा सा आगे रख लें। आगे रखने से ये होता है कि इसका जो टांका जो होता है ना, ये ऊपर से निडल जो आती है, जो टांका जो भरती है, वो ज़रा खूबसूरत और अच्छी और तसल्ली बख्श भरा जाता है। तो आपने ये करना क्या है कि ना तो ये वाला लोपर इसके साथ टकराना चाहिए और ना ये लोपर इस निडल के साथ टकराना चाहिए, बस किसी चीज़ से टकराना नहीं चाहिए, बस आज़ाद घूमना चाहिए इसको। तो थोड़ा सा बस ये आगे होना चाहिए, आज़ाद घूमे ये, तो ये आपकी सेटिंग बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आप देख रहे हैं कि ये किसी चीज़ से भी टकरा नहीं रहा, बिल्कुल हवा पर है, इसके साथ से होकर गुजर जाता है और ना ही ये निडल के साथ टकरा रहा है। आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी ये टकरा नहीं रहा और ना ही ये टकराना चाहिए, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, बस इसी तरह आपने इसकी सेटिंग करनी है। ये आपकी सेटिंग बिल्कुल ठीक है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो मैंने पिछले दिनों वीडियो मैंने बताया आपको अपलोड की हुई है चाइना पिको की, आप वो जाएं वो देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, एंड पर भी इसका टाइटल दे दूंगा, तो आप वहाँ पर ही इसकी मुकम्मल सेटिंग देख सकते हैं।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की कोई समझ ना आ रही हो या ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको उसका मुकम्मल हल बताऊंगा, मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊंगा, जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई और ज़बरदस्त वीडियो के लिए, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एक, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप उससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर हासिल कर लें। ओके दोस्तों, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।